जी बिल्कुल, इसका मॉनिटरिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमें हमारी नजर नहीं है। हर बॉलर की फिटनेस, हर बॉलर की कि कितनी क्रिकेट खेल रहा है, कितनी नहीं खेल रहा है। क्योंकि याद रहे कि अभी रिसेंटली ही पीएसएल कैंसिल हो गई थी, पोस्टपोन हो गई थी, तो काफी रेस्ट करके आए थे लड़के, तो ऐसा कोई फटीक वाला कोई चक्कर नहीं था। हाँ, जिम्बाब्वे सीरीज है, हमारे साथ और भी बॉलर्स आए हुए हैं। ऑफकोर्स वी विल सिट डाउन, हम बात होगी इंशाल्लाह इस पे कि किन लड़कों को चांस दिया जा सकता है, कैस किस किस तरीके से दिया जा सकता है। ऑफ कोर्स हमें हमें और भी बॉलर्स एक्सप्लोर करने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, आगे बड़ी सीरीज आ रही है, तो हमें बड़ा एक एक बंच चाहिए होगा इस सारी क्रिकेट को टैकल करने के लिए। जी, हर मैच के बाद चाहे जीते चाहे हारे, हम लोग बैठते जरूर हैं, इस पे डिस्कशन होती है बॉलर्स की, सब बॉलर्स को बैठ के कि किसने क्या क्या किया और कहाँ इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। एंड यू राइट कि यू नो समटाइम होता है ऐसे कि जी आप जीत जो होती है वो आपको कंफ्यूज कर देती है, लेकिन ये है कि हम बिल्कुल बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं कि कहाँ किसने गलत किया, कौन कितना अच्छा कर रहा है, सबको प्रेज भी किया जाता है और उसको जो भी प्रॉब्लम जो इश्यूज हैं उनको भी डिस्कस किया जाता है। तो ऐसा नहीं, हरगिज नहीं है कि क्योंकि जीते हैं तो हम अपनी गलतियों को ना देखेंगे, हम जरूर उस पर नजर डालते हैं। आप गालबन थोड़ी सी ज्यादती करते हैं जब ये बात करते हैं कि उनकी उनकी जो टॉप टीम नहीं थी, ठीक है ना जी, वो इसलिए कि इसमें ना किसी इंडिविजुअल का कसूर है, उनकी नेशनल टीम थी, उनकी बेस्ट अवेलेबल टीम थी, अगर नहीं है उनके प्लेयर तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। जहां तक औसत की बात, फिर मैं वही बात करूंगा, पिचेस पे डिपेंड करता है किस तरह की पिचेस हैं। अगर औसत हमारे बॉलर्स की ज्यादा है तो उनकी की टीम इतनी बुरी तो नहीं थी ना, इसका मतलब है। तो ओवरऑल यस, मैंने कहा है ना कि हम भरदा नहीं डालते किसी चीज पर भी, हम कोशिश करते हैं कि उसको बेहतर से बेहतर किया जाए। अगर अगर ऐसा है कि ज्यादा औसत है तो इसको इंशाल्लाह मजीद डिस्कस किया जाएगा। क्रिटिक्स आर ऑलवेज गुड, रिमेम्बर दैट, ये याद रखिएगा। क्रिटिक्स आपको बेहतर इंसान बनाती है, आपकी खामियों को दूर करने का मौका देती है। आई एम नॉट रियली कंसर्न के कौन किसको क्रिटिसाइज करता है। अगर मुझे कोई क्रिटिसाइज करता है तो मैं उसमें जरूर लुक इन करता हूँ और उसमें उसमें नोटिस करता हूँ, उसमें देखता हूँ कि उसमें क्या बेहतर किया जा सकता है। और जहां तक बाकी को किसको क्रिटिसाइज करते हैं क्रिटिसाइज नहीं करते हैं वो मेरा इतना कंसर्न नहीं है शहबाज। मैं अपना कोशिश करता हूँ कि अपना काम से काम रखूं और कोशिश करूं कि पाकिस्तान की बॉलिंग बेहतर से बेहतर।